सिद्धू मूसेवाला दे घर मुड़ तो किलकारियां गूंजणगियां। तो अगले मार्च महीने दे विच वड्डी खुशखबरी आवेगी। दसीए कि जानकारी अनुसार माता चरण कौर ने मुड़ तो गर्भवती होने का फैसला किया है ते मुड़ तो मापे बनन जा रहे ने माता चरण कौर ते पिता बलकौर सिंह। इस नूं लैके लगातार एक खबर जो वायरल हो रही है, इस दे अनुसार मार्च महीने दे विच किलकारियां सिद्धू मूसेवाला दे घर गूंजणगियां। तो लंबे समय तो एक कह सकते हाँ संताप भोगण तो बाद एक वड्डी राहत दी गल होवेगी। जिस तरीके दे नाल एक खबर सामने आ रही है कि अगले महीने मार्च च पंजाबी मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला दे घर च हासा ठट्ठा होवेगा। मूसेवाला दी माता चरण कौर ने फिर तो गर्भवती होण दा फैसला लिया है। इस दे लई उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक नूं अपनाया है। इस दी पुष्टि मूसेवाला दे चाचा चमकौर सिंह ने की है। सिद्धू अपने मापिया का इकलौता पुत्र से, उसके कतल तो बाद माँ ते पिता बलकौर सिंह इकले रह गए से। अजिही स्थिति में चरण कौर IVF तकनीक की मदद नाल दोबारा गर्भवती हो गए ने। इस कारण चरण कौर पिछले 3-4 महीनों तो घरों बाहर भी नहीं निकले। जिक्रयोग है कि 29 मई को गोलियां दे नाल भुन के करीब 5 बजे 6 शूटरां ने उसनू मौत दे घाट उतार दिता सी। तो शूटरां ने उसकी तेज़ रफ्तार गोली मार के हत्या कर दिती सी। इस दे लई लॉरेंस गैंग दे वलों जिम्मेवारी भी ली जाती है। तो कनेडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने इसकी सारी साजिश नू अंजाम दिता, जिस च लॉरेंस दे भरा अनमोल अते भतीजे सचिन थापन भी शामिल सी। पुलिस ने इस मामले में 35 मुलजमान नू नामजद किया। इन्होंने 4 की मौत हो चुकी है। कतल दे बाद तो ही मापे अपने पुत्र लई इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे ने ते पंजाब की सरकार नू लगातार घेर भी रहे ने। पिता बलकौर सिंह ते माता चरण कौर अज भी अपने पुत्र नू इंसाफ दवाउण लई संघर्ष कर रहे ने। इन्ना ही नहीं बल्कि चाहुण वालियां ते कई तरह दियां वड्डियां हस्तियां वल्लों भी सिद्धू मूसेवाला दे मौत नू लै के इंसाफ की मंग लगातार जारी है। IVF तकनीक है कि इस बाबत भी तुहानू दसदे आ, इस प्रक्रिया दे विच 2 तो 3 हफ्ते लगते ने अते मां दे गर्भ विच विकसित करन दी बजाय एक प्रयोगशाला विच विकसित करन दी प्रक्रिया नू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF कहा जाता है। इस तरीके नाल तैयार किए भ्रूण नू प्लास्टिक दी बरीक ट्यूब राही औरत दे बच्चेदानी विच लगाया जाता है। इस तो बाद बच्चा मां दी कुख विच वड्डा हुंदा है। तैना विच म्यारी IVF ICI अते ISI तकनीकां शामिल ने। इन्हां नवीं तकनीकां दे कारण गर्भ धारण करना हुण सरल अते आसान हो गया। सारी प्रक्रिया कुदरती तौर ते वापरदी है जिस कारण सेहतमंद बच्चे दा जन्म हुंदा है। IVF एक जनन इलाज है जिहड़ा जोड़े बच्चे पैदा करन तो असमर्थ है उन्हां दा इलाज इस राही कीता जांदा है। खैर, इस खबर की पुष्टि तां ही होवेगी जेकर माता चरण कौर जां पिता बलकौर सिंह का कोई बयान सामने आएगा। पर फिलहाल इस खबर नू सुनन तो बाद सिद्धू दे चाहुण वालियां दे विच तां खुशी पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।